हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी। आप लोग जुड़ चुके हैं इस समय इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर, और आप लोग इस समय जुड़े हुए हैं वाईफाई स्टडी 2.0 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो एक बार जल्दी से वाईफाई स्टडी 2.0 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए और सेशन को लाइक कर दीजिए। मैं आलोक वाजपेयी आप सभी का जीएस की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ेंगे, फटाफट से एक बार जल्दी से आप सारे के सारे लोग सेशन को शेयर कर देंगे, सेशन को लाइक कर देंगे और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब भी कर देंगे। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं बेहतरीन तरीके से आज के महत्वपूर्ण सेशन की। चलिए जल्दी से एक बार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग सेशन को शेयर जरूर कर दीजिए। तेज़ी से आप सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए और सेशन को लाइक कर दीजिए। हम लोग यहाँ पर बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये क्लास आपका SSC के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप RPSC का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे RAS का एग्ज़ाम दे रहे हैं या आप अन्य कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये क्लास आपके लिए सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। GS के महत्वपूर्ण हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर देंगे अधिक से अधिक संख्या में। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो SSC मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफ़र है। अगर कोई विद्यार्थी इस समय एक साल का सब्सक्रिप्शन लेगा तो 2 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है। अगर कोई 2 साल का लेगा तो उसको 4 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है। आप लोगों को करना क्या है, ABSIR10 कैपिटल लेटर में लिखना है और इसको बच्चे अप्लाई पर क्लिक कर देना है रेफरल कोड बॉक्स में, ताकि आपको यहां पर डिस्काउंट मिल सके और फ्री सब्सक्रिप्शन भी 2 मंथ्स एंड 4 मंथ्स का मिल चुके। ठीक है भाई? बिल्कुल भैया गणेश्वरी चौधरी जी। अच्छा, आप लोग 11 के स्टूडेंट हैं। चलिए बहुत बढ़िया, शेयर करोगे भाई एक बार सेशन को। और देखिए, अनअकैडमी पर किसी भी प्रकार का कोई सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहते हो तो कोड आपको ABSIR10 ही लगाना है। ABSIR10 ही कोड लगाना है। बिल्कुल, हिंदी की क्लास के लिए आप लोग 10 बजे रात में जुड़ना है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। ठीक है एस कुमार, हिंदी की क्लास के लिए वाईफाई स्टडी स्टूडियोज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी को जुड़ना है, वहाँ पर ज़रूर जुड़िए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कोड को कैपिटल लेटर में लिखना है, बगैर किसी स्पेस के स्पेस नहीं देना है, पर अप्लाई पर आप सभी विद्यार्थियों को क्लिक करना है। इसके अलावा UPSI की अगर कोई भी विद्यार्थी तैयारी कर रहा है तो बच्चे वो रेलवे कैटेगरी में प्लस कोर्स अवेल करेगा। रेलवे कैटेगरी में भी आपको कोड एक ही लगाना है, इसका नाम है ABSIR10। इसी कोड के माध्यम से आप लोग वहाँ पर भी सब्सक्रिप्शन करोगे। ठीक है यश कुमार, 10 बजे वाईफाई स्टडी स्टूडियोज़ हिंदी की क्लास के लिए वहां पर जुड़ना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर एक और महत्वपूर्ण मैं चीज़ बताऊंगा। आपने कोड लगाया ABSIR10, 10% यहां से मिला। आपने अपने क्वाइंस लगाए, 10% यहां से मिला, तो यानी कि टोटल 20% का डिस्काउंट आपको इजीली हो गया। हाँ या ना, एक बार बताओगे प्यारे विद्यार्थियों, हाँ या ना? क्लियर है ना? चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग सेशन की। और अनअकैडमी पर मुझे फॉलो ज़रूर कीजिए। अनअकैडमी पर अगर आप लोग मुझे फॉलो करेंगे तो मेरी क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। आज 1:45 वाली बच्चे क्लास नहीं हुई, इसीलिए मैंने आप लोगों ने कहा था कि यूट्यूब पर क्लास होनी चाहिए, तो इसलिए 2 बजे मैंने यूट्यूब पर क्लास की है। तो जितने लोग वहाँ पर 1:45 पर जुड़ते हैं वो सारे लोग यहाँ पर जुड़ जाएंगे। और मेरी जो रेगुलर क्लासेस का टाइम है वो 8:30 अनअकैडमी पर और 1:45 पर अनअकैडमी पर, इन दोनों क्लासेस पर आप लोग ज़रूर जुड़ते रहिए। ठीक है बच्चे, क्लियर है? चलिए पहला सवाल आपके सामने रखते हैं। वर्ल्ड वेटलैंड डे इज सेलिब्रेटेड इन विच डेट? ये जो वर्ल्ड वेटलैंड डे है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस, ये बच्चे किस तिथि को मनाया जाता है? क्या आंसर होना चाहिए भाई? विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है ये कितनी तारीख को मनाया जाता है? प्रश्न का उत्तर क्या होगा? विश्व आर्द्रभूमि दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? फटाफट से आंसर कीजिए। ये बच्चे किस तिथि को मनाया जाता है आपको ये बताना है। ये किस तिथि को मनाया जाता है, जल्दी से आप लोग बताइए ये किस तिथि को मनाया जाता है। फटाफट आंसर कीजिए भाई, फास्ट तेज़ी से आंसर करोगे ये किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है ये आपका किस तिथि को मनाया जाता है, प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपका? देखो यार, बड़ा बेहतरीन सवाल है। अगर विश्व आर्द्रभूमि दिवस आपसे पूछा जाएगा तो आप इजिली इसका आंसर क्या बताएंगे? 2 फरवरी। ठीक है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। 15 जनवरी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कभी पूछा जाएगा आर्मी डे या थल सेना दिवस, तो आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। त्रिभुवन नारायण सिंह वाज चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट?
ये जो त्रिभुवन नारायण सिंह हैं ये बच्चे किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? फटाफट आंसर कीजिए भाई, त्रिभुवन नारायण सिंह ये आपके बच्चे किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? फटाफट आंसर कीजिए आप लोग, फास्ट तेजी से आप लोग आंसर कीजिए। जल्दी से आंसर करो भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा फटाफट से। देखो भैया, त्रिभुवन नारायण सिंह के बारे में पूछा गया, आप इजीली बता सकते हो कि ये जो त्रिभुवन नारायण सिंह हैं ये आपके बच्चे उत्तर प्रदेश के ही मुख्यमंत्री रहे हैं। कहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं? ये उत्तर प्रदेश के ही मुख्यमंत्री रहे हैं, ये आपको याद होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर रहते हैं जिनका नाम है गोविंद वल्लभ पंत। क्या हो जाएगा? गोविंद वल्लभ पंत हो जाते हैं उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम अगर कभी भी पूछा जाए, यूपीएसआई वाले खासकर याद रखेंगे, यूनाइटेड प्रोविंस। यूनाइटेड प्रोविंस जो है ये बच्चे उत्तर प्रदेश का पुराना नाम है, ठीक है, याद रहेगा। उड़ीसा में चांदीपुर रेंज कहाँ पर है? उड़ीसा में है। उड़ीसा में गहीर माथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, भीतरकड़िका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और आपका सिमलीपाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये तीनों उड़ीसा में स्थित हैं, ठीक है। शशांक शेखर, शेयर कर दोगे भैया एक बार तेज़ी से? आप सारे लोग जितने लोग जुड़ रहे हैं तेज़ी से सेशन को शेयर कर देंगे ताकि 1:45 वाले बच्चे भी हमारे साथ जुड़ पाएँ। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना बच्चे किस वर्ष में शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की अगर हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं ये 15 जुलाई 2015 तब लॉन्च होती है, इसलिए 15 जुलाई को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड यूथ स्किल डे। वर्ल्ड यूथ स्किल डे का मतलब विश्व युवा कौशल दिवस भी 15 जुलाई को ही मनाया जाता है, ये पॉइंट इसी के कारण है, ठीक है। 2014 इंपॉर्टेंट है, 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट मस्टर्ड प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इन 1920? फटाफट आंसर कीजिए। 2019-20 में भारत का सबसे बड़ा सरसों उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा बच्चे सरसों उत्पादक राज्य कौन सा है? तेज़ी से आप लोग आंसर करोगे यार, सरसों उत्पादक राज्य सबसे बड़ा कौन सा है? फटाफट से आंसर कीजिए आप लोग बच्चे तेज़ी से। सबसे बड़ा जो सरसों उत्पादक राज्य है वो कौन सा है, क्या आंसर होना चाहिए? देखो यार, सरसों उत्पादक राज्य की अगर कभी भी बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि आंसर हो जाएगा इसका राजस्थान। राजस्थान सबसे बड़ा सरसों उत्पादक राज्य है, तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल होगा नहीं। चावल अगर पूछा जाता तब हम वेस्ट बंगाल लगाते, गेहूँ अगर पूछा जाता तो हम बताते भाई उत्तर प्रदेश, ठीक है। कर्नाटक भी आपके प्रश्न का सही उत्तर नहीं है, कर्नाटक भी आपके प्रश्न का बच्चे सही उत्तर नहीं है, क्लियर है। कॉफ़ी के उत्पादन में अगर पूछा जाएगा, कॉफ़ी के उत्पादन में तो बच्चे कर्नाटका हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है। भागभद्र किस वंश से संबंधित था? भागभद्र किस वंश से संबंधित था? शक, यूनानी, कुषाण, कोई नहीं। फटाफट आंसर कीजिए भाई, फास्ट तेज़ी से आंसर करोगे, तेज़ी से आंसर कीजिए भाई फटाफट से, क्या सही आंसर हो जाएगा इसका? फटाफट आंसर कीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? भागभद्र किस वंश से संबंधित था, क्या सही आंसर हो जाएगा? वेरी गुड आफ्टरनून संग्राम, बैरक, जितने लोग जुड़े हुए हो तेजी से आप लोग एक बार बच्चे सेशन को शेयर जरूर करेंगे भैया। भागभद्र किस वंश से संबंधित था? देखो यार, शक राजा तो भागभद्र है नहीं, शक राजा तो रुद्रदामन है, शक राजा भागभद्र नहीं है। इंडो ग्रीक ने सबसे पहले सिक्के चलाए थे सोने के, इंडो ग्रीक ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे, ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इंडो ग्रीक ने सबसे पहले बच्चे सोने के सिक्के चलाए थे, ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है, याद रहेगा। हाँ या ना एक बार बताओगे कमेंट सेक्शन में, क्लियर है भाई। कुषाण वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक अगर पूछा जाएगा तो कनिष्क होता है, और भागभद्र शुंग वंश का था तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भागभद्र किस वंश का था? ये शुंग वंश का था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच कंट्री वॉन द हैंडबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप? हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप बच्चे किस देश के द्वारा जीती गई? हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप किस देश के द्वारा जीती गई, आंसर कीजिए।
फटाफट आंसर कीजिए भैया, क्या सही आंसर हो जाएगा इसका। देखो बच्चे, हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप पूछा गया है। हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप आप इजीली बता सकते हो कि ये जो हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप है ये आपके बच्चे जीती है किसने, डेनमार्क ने। डेनमार्क की कैपिटल अगर कभी पूछी जाएगी तो कोपेनहेगन, ये आपकी डेनमार्क की कैपिटल हो जाती है। रसिया की कैपिटल मॉस्को हो जाती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, हो ची मिन एक सिटी का नाम है, ठीक है, और ये भी माना जाता है किस देश के प्रेसिडेंट थे हो ची मिन। फटाफट आंसर करोगे किस देश के राष्ट्रपति थे हो ची मिन, फटाफट आंसर कीजिए बच्चे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्या सही उत्तर होगा, तेजी से आंसर कीजिए। देखो विकास भट्ट कह रहे हैं 4, शशांक ने भी कहा 4, बहुत बढ़िया। जितने लोग कह रहे हो वियतनाम, एकदम सही है, वियतनाम की कैपिटल हनोई है। लाओस की कैपिटल वियंतियन है और थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक है। चाइना की कैपिटल बीजिंग है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सारे के सारे मैप में लोकेशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, सब लगभग सटे हुए आपस में देश हैं। सैम टॉप पुरस्कार जो है ये किस खेल से संबंधित है, स्विमिंग, बॉक्सिंग, लॉन्ग जंप या चेस। सैंड टॉप जो पुरस्कार है ये बच्चे किस खेल से संबंधित है। नमस्कार भैया विकास भट्ट जी, आंसर करते रहोगे। देखो यार, सैंड टॉप अगर अवार्ड की बात करते हो, सैंड टॉप अवार्ड, तो सैंड टॉप अवार्ड आपका संबंधित है ये मुक्केबाजी से। किससे संबंधित है ये मुक्केबाजी से आपका अवार्ड संबंधित है सैंड टॉप, ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है वर्नाक्यूलर प्रेसेक्ट किसके द्वारा निरस्त किया गया। बहुत बेहतरीन सवाल। वर्नाक्यूलर प्रेसेक्ट बेसिकली इसलिए आया था कि कोई भी इंडियन प्रेस अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ छापती थी तो उसका लाइसेंस निरस्त करने के लिए एक एक्ट लाया गया, उसको वर्नाक्यूलर प्रेसेक्ट कहते हैं। ये लिट्टन के समय में लाया गया 1878 में, और इसको बच्चे समाप्त किया गया रिपन ने। किसने समाप्त किया था, रिपन के द्वारा इसको समाप्त किया गया, ठीक है। डफरिन के समय में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन 1905 में होता है। हार्डिंग के समय भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र होती है 1912 में। भैया सारे लोगों को क्लियर हो रहा है एक एक पॉइंट, अगर हाँ तो तेज़ी से सेशन को सारे लोग शेयर कर दोगे, भैया तेज़ी से शेयर कर दोगे। अगला सवाल है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन किस वर्ष किया गया था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जो गठन है ये बच्चे किस वर्ष किया गया था, फटाफट से आंसर कीजिए। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जो गठन है ये बच्चे किस वर्ष किया गया था, तेजी से आप लोग आंसर करोगे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन जो है आपका किस वर्ष किया गया था, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 1986। 1986 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन किया गया था। 1985 में भैया सार्क की स्थापना होती है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क की स्थापना 1985 में। और राष्ट्रीय महिला आयोग अगर पूछा जाएगा तो आपका 1992 में गठित होता है। 1965 में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि FCI की स्थापना होती है। यहाँ तक सारे विद्यार्थियों को क्लियर है, अगर हाँ तो एक बार कमेंट सेक्शन में यस कर दीजिए। अगर हाँ तो एक बार प्यारे विद्यार्थियों कमेंट सेक्शन में आप लोग यस कर दीजिए कि यहाँ तक सारे पॉइंट क्लियर हो गए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मिस्र और अरब इसराइल को पृथक करने वाला कौन सा सागर है, लाल सागर, भूमध्य सागर, काला सागर या इनमें से कोई नहीं। लाल सागर, भूमध्य सागर, काला सागर या इनमें से कोई नहीं। मिस्र और अरब इसराइल को पृथक करने वाला कौन सा सागर है, इसका सही आंसर कीजिए आप लोग फास्ट। देखो भैया, मिस्र अरब इसराइल को पृथक करने वाला जो सागर है वो आपका हो जाता है रेड सी। कौन सा हो जाता है, लाल सागर। महासागर अगर बड़े से छोटे के क्रम में पूछे जाएं तो कोड आप सभी को याद रखना है पैसा। पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर, फिर उसके बाद अटलांटिक महासागर, फिर इंडियन यानी कि हिंद महासागर, फिर आपका साउदर्न दक्षिणी महासागर, फिर आपका आर्कटिक महासागर। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है भैया, याद रहेगा महासागरों का ये सही क्रम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिले में पुलिस थाना इनकी स्थापना किस गवर्नर जनरल के द्वारा की गई थी,
कॉर्नवालिस, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन या कॉर्नवालिस और मेयो दोनों के द्वारा। बोलिए भैया प्रेम शंकर जी। आंसर कीजिए भैया। देखो यार, जिले में पुलिस थाने की स्थापना जो है वो की गई थी बच्चे किसके द्वारा, कॉर्नवालिस के द्वारा। सिविल सेवा का जनक कॉर्नवालिस, पुलिस सेवा का जनक कॉर्नवालिस, दोनों कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। पहली जनगणना किसके समय में हुई, 1872 मेयो के समय में। स्थानीय स्वशासन का जनक किसके कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को। पहली 10 वर्षीय जनगणना किसके समय में हुई, 1881 में रिपन में। याद रहेगा भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट जेंडर पार्क वाज एस्टेब्लिश्ड, भारत का पहला जेंडर पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, केरला। पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, केरल, कहां पर पहला जेंडर पार्क भारत का स्थापित किया गया। फटाफट से आंसर करोगे प्यारे विद्यार्थियों, पहला जेंडर पार्क जो है वो आपका कहां पर स्थापित किया गया भारत में। क्या सही उत्तर हो जाएगा। राहुल कुमार कैसे हो, सुशांत बच्चे कैसे हो, आदित्य, सारे लोग शेयर कर दोगे सेशन को। अनिल कुमार यादव तेजी से आंसर कीजिए भैया, सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका। जेंडर पार्क हो जाएगा आपका केरला। क्या हो जाएगा, केरला। सबसे पहले भारत में मानसून कहाँ आता, केरला। सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ है, केरला में। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, हो जाता है केरला। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा हो जाता है, राजस्थान। 5 नदियों की भूमि कौन सी, पंजाब। अगला सवाल है, टॉम्ब ऑफ बलबन इज सिचुएटेड, बलबन का मकबरा बच्चे कहाँ है, अजमेर, दिल्ली, आगरा, मुंबई। फटाफट आंसर करोगे, ये बलबन का, बलबन के मतलब गयासुद्दीन बलबन, बलबन तुर्काने चहलगानी यानी कि जो इल्तुतमिश ने 40 वफादार गुलामों की एक टुकड़ी बनाई, उसका सदस्य बलबन भी है। उस टुकड़ी को, संगठन को समाप्त करके अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर करता है, और बलबन का मकबरा आपका दिल्ली में ही स्थित है। पूरा नाम है गयासुद्दीन बलबन। बलबन मंगोलों के आक्रमण का सामना करने के लिए एक सैन्य विभाग बनाता है, दीवाने आरिज, जिसको हम लोग आरिज के नाम से जानते हैं। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह है, यहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर है पुष्कर नामक स्थान पर। ठीक है बच्चे, याद रहेगा ये। आगरा की जब भी हम बात करेंगे तो इसको सिकंदर लोधी ने 1504 में स्थापित किया, और 1506 में उसको अपनी राजधानी भी बनाते हैं सिकंदर लोधी। अगला सवाल है, हर घर पानी और हर घर सफाई एक अभियान है, ये अभी हाल ही में किस राज्य ने शुरू किया था। अनिल यादव, सुशांत और भैया राहुल, संग्राम, जितने लोग हैं शेयर जरूर करोगे सेशन को, आंसर कीजिए। हर घर पानी हर घर सफाई, इसकी अभियान की शुरुआत जो की जाएगी वो कहाँ पर की गई है बच्चे, पंजाब में की गई है। ठीक है, याद रहेगा। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ बन सकती है। CISF की तर्ज पर यहाँ पर भी भाई औद्योगिक सुरक्षा पल की घोषणा कर दी गई है। ठीक है, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। मध्य प्रदेश को भारत का हृदय स्थल कहते हैं, सोयाबीन के उत्पादन में प्रथम स्थान है, तो इसलिए इसको सोया प्रदेश भी कहते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसके समय में की गई। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, लॉर्ड लिथगो, लॉर्ड बेवेल या लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड मिंटो सेकेंड। देखो यार, बड़ा बढ़िया सा सवाल है। इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि आज़ाद हिंद फौज, हम लोग जानते हैं ये 1943 में स्थापना की गई सिंगापुर में, और ये स्थापना करने वाले जब 43 में हुई है तो 43 में ऑब्वियसली क्या होगा, लॉर्ड लिथगो होगा, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन जब 1942 हुआ है तब भी आपका लिथगो है। बेवेल की अगर हम बात करते हैं तो बेवेल बच्चे बाद में होता है। माउंटबेटन की बात करते हैं, ये 1946-47 में होते हैं। ठीक है, याद रहेगा। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ही होते हैं। अगला सवाल, भारत के पहले स्वदेशी आधुनिक इतिहासकार कौन थे, राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर या आरजी भंडारकर या एमजी रानाडे। बहुत बेहतरीन प्रश्न है बच्चे, तेजी से आंसर करोगे। पहले स्वदेशी आधुनिक इतिहासकार ये कौन थे, आपको बताना है, तेजी से आंसर कीजिए भाई। देखो यार, बड़ा बेहतरीन सवाल, कैसे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस कैसे निकल के आएंगे। सबसे पहले तो उत्तर जान लीजिए, आधुनिक स्वदेशी इतिहासकार थे आरजी भंडारकर साहब। कौन थे, आरजी भंडारकर। राजा राम मोहन राय को हम लोग कहते हैं आधुनिक भारत के अग्रदूत भी कहते हैं,
दूसरा पॉइंट, 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, इनको राजा की उपाधि जो देते हैं वो बच्चे अकबर सेकंड देते हैं। इनका मकबरा कहाँ, इंग्लैंड के ब्रिस्टल में, इंग्लैंड के ब्रिस्टल में इनका मकबरा स्थित है। ठीक है भैया, याद रहेगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, जैन आयोग किससे संबंधित है। जैन आयोग बच्चे किससे संबंधित है, अयोध्या मामलों से, राजीव गांधी के मामले से, या मुंबई से, या ग्राहम स्टेन्स कांड से, क्या आंसर हो जाएगा। देखो भाई, हम लोग जानते हैं दो बड़े अच्छे आयोग थे, बड़े चर्चा में रहे थे। एक कभी भी अगर आपसे पूछा जाए, लिब्राहन, लिब्राहन आयोग अयोध्या मामले से था, बाबरी मस्जिद वाला, तो ये तो होगा नहीं ऑप्शन। राजीव गांधी की हत्या की जांच के लिए जो आयोग बना था वो बच्चे जैन आयोग कहलाता है। कौन सा कहलाता है, जैन आयोग। राजीव गांधी हमारे भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे, और जो चुनाव में वोटिंग में जो वोटिंग की एज है चुनाव में, वो 21 साल से घटा करके 18 साल राजीव गांधी साहब ने की थी। 1991 में राजीव गांधी को भारत रत्न से भी नवाजा जाता है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर राजीव गांधी हो गया। दजला और फरात दो नदियों के मध्य क्षेत्र में कौन सी सभ्यता विकसित थी, दजला और फरात नदियों के बीच में, मेसोपोटामिया, हड़प्पा की सभ्यता, या चाइनीज रेवोल्यूशन, या आपकी मिस्र की सभ्यता, क्या सही उत्तर हो जाएगा भाई, फटाफट से आंसर करोगे। अंजलि सिंह, एनबी सोरेल क्लब, राहुल कुमार, फटाफट आंसर करोगे भैया। राहुल बाबू, क्या आंसर होना चाहिए। देखो यार, दजला और फरात नदियों के मध्य क्षेत्र में जो सभ्यता विकसित थी वो आपका क्या हो जाएगा, सैंपल आने के स्टार्ट की हुई। चलिए बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया सुशांत जी, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता। तीनों सभ्यताओं के बारे में हम जान लेते हैं हम लोग। मेसोपोटामिया की सभ्यता 4000 वर्ष पुरानी है, और मिस्र की सभ्यता 3400 वर्ष पुरानी है, हड़प्पा की सभ्यता 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व है, और चीनी सभ्यता 1765 से 250 ईस्वी पूर्व तक मानी गई है। अब यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता जो कि आपके कोर्स में है, इतिहास का जो कोर्स है, हड़प्पा सभ्यता का आकार कभी पूछा जाए तो आप कहोगे त्रिभुजाकार, हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल पूछा जाए तो 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर, ये दो क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, भूटान और भारत के बीच में कौन सी नदी स्थित है, कामेंग, लोहित, सुबनसिरी, मानस। भूटान और भारत के बीच में बच्चे कौन सी नदी स्थित है, तेजी से आंसर करोगे आप लोग। भूटान और इंडिया के बीच में कौन सी नदी स्थित है, देखो यार बड़ा बेहतरीन सा सवाल है। भूटान और इंडिया के बीच में जो नदी स्थित है वो हो जाती है मानस। कौन सी हो जाती है, मानस। भूटान थिम्पू कैपिटल है, तसांगडू संसद है, नगुलट्रम करेंसी है, प्रधानमंत्री लोत्से त्शेरिंग है, ये सब याद कर लो भैया भूटान के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने साइकिल का आविष्कार किया था, बिल्कुल भैया राहुल कुमार एकदम सही है, लेकिन अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं है, पुष्टि अगर हो जाती है तो निश्चित रूप से सभी देश मिलकर के धावा जरूर बोलेंगे। ठीक है, मंथन चल रहा है हर एक देश में कि आखिर देश की जो पूरे विश्व की स्थिति है जो कोरोना की वजह से, वो किसी से छिपी नहीं है, आर्थिक मानसिक शारीरिक हर तरीके से विनाश ही हुआ है इस कोरोना की वजह से। हर किसी ने, लगभग हर व्यक्ति ने, किसी ने किसी ने अपना पास का, निकट का, रिश्तेदार, दोस्त, बंधु, सखा, कोई ना कोई खोया जरूर है इस कोरोना महामारी की वजह से। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, साइकिल का आविष्कार क्या हो जाएगा, मैकमिलन ने किया है। ठीक है, मैकमिलन। अगला सवाल है, कौन सा गलत है इसमें से, आंसर कीजिए। नेचुरल गैस मीथेन, एलपीजी, एलपीजी ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, सीएनजी मीथेन, प्रोड्यूसर गैस सीओएन हाइड्रोजन, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें से आपको मिसमैच बताना है कौन सा है, मिसमैच। भैया शेयर करोगे, सारे लोग सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक, आंसर कीजिए, सारे लोग शेयर करोगे। सुशांत, गणेश, अनिल, सुनील, प्रेम, जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बच्चे क्या हो जाएगा, 26 नंबर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा भाई आपका
प्रोड्यूसर गैस जो होती है वो हाइड्रोजन और CO नहीं होती है, ठीक है। बाकी सब मिले हुए हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रोड्यूसर गैस के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखो प्रोड्यूसर गैस बेसिकली CO N2 ये सब मिलते हैं। सबसे सस्ती गैसी ईंधन है क्योंकि इसका ऊष्मीय मान अत्यधिक नहीं है, बड़ी मात्रा में नाइट्रोजन का अनुपात इसमें होता है, ठीक है। वाटर गैस आपकी ये होती है CO और H2। इसके अलावा अगर कभी भी आपसे पूछा जाएगा वाटर गैस के बारे में तो आप बता सकते हो। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा, देखो यार दो तीन सवाल आपके जरूर बनते हैं। एक तो अगर कभी भी आपसे ड्राई आइस पूछी जाए या आपसे पूछी जाए वाशिंग सोडा पूछा जाए या कभी भी आपसे बेकिंग सोडा पूछा जाए तो आप इजीली बता सकते हो। ड्राई आइस CO2 को बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। वाशिंग सोडा पूछा जाए तो हम लोग सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं Na2CO3। बेकिंग सोडा पूछा जाए तो हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट को NaHCO3। अब देखो NaHCO3 दिख रहा है आपको, तो ये बेकिंग सोडा हो गया। KMnO4 को हम लोग लाल दवा बोलते हैं और इसका केमिकल नेम जानते हैं हम लोग, पोटेशियम परमैंगनेट हो जाता है KMnO4, इसको लाल दवा के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? लीवर, पिट्यूटरी, पैंक्रियाज या थायराइड? सबसे छोटी ग्रंथि मानव शरीर की पूछी गई है, सही उत्तर क्या होगा? ड्राई आइस D2O नहीं होता है राहुल कुमार, हैवी वाटर D2O होता है। यार उल्टा पुल्टा का है सोच रहा हो राहुल, D2O हैवी वाटर होता है, भारी जल। तुम लिखे हो ड्राई आइस, यार ड्राई आइस का आया होगा भैया राहुल। राहुल बाबू समझ में आया? आया ना, बोलोगे राहुल, गलत मत लिखिए। इसका सही आंसर हो जाएगा, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी। क्या होती है? पिट्यूटरी। ये मटर के दाने के बराबर होती है, इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? इसको मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, पैंक्रियाज ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसकी विशेषता क्या है? ये इंडोक्राइन भी है, इंडो के मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि भी है, और ये एक्सोक्राइन यानी कि बहिस्रावी ग्रंथि भी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? पदार्थ की मात्रा का SI मात्रक क्या है? केल्विन, मोल, कैंडेला, एम्पियर। पदार्थ की मात्रा का SI यूनिट क्या है? देखो यार टेम्परेचर अगर कभी पूछा जाएगा ताप का तो केल्विन कह सकते हो, कैंडेला अगर पूछा जाएगा तो ज्योति तीव्रता का, विद्युत धारा का पूछा जाए एम्पियर, पदार्थ की मात्रा का पूछा जाएगा तो क्या बताओगे? मोल हो जाएगा, ठीक है। ये सारे के सारे SI यूनिट हैं। लंबाई मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकेंड, इलेक्ट्रिसिटी करंट एम्पियर, विद्युत धारा, उसके बाद में ताप केल्विन, और पदार्थ की मात्रा मोल, और ज्योत तीव्रता का कैंडेला। इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आरती साहा या कैरोलिन एडरले या अमेलिया गाडे कोर्सन या मर्सिडीज गेलिटेज? क्या आंसर होना चाहिए भैया इसका? देखो यार इंग्लिश चैनल तैर करके पार करने वाली जो महिला हैं वो आरती साहा हैं। कौन है? आरती साहा। वैसे अगर कहोगे तो मीर सेन का नाम आता है महिलाओं में, आरती साहा का। भारत आने वाला अंतिम चीनी यात्री कौन था? आपको बताना है भारत आने वाला बच्चे अंतिम चाइनीज ट्रेवलर कौन था? ह्वेनसांग फायान सुंगयून इत्सिंग। अब देखो यहाँ पर दो बड़े फेमस हैं, ह्वेनसांग ये हर्ष के समय में आता है यानी कि पोस्ट गुप्ता में, फायान ये चंद्रगुप्त सेकेंड में आता है यानी कि ये आपका गुप्त साम्राज्य में आता है, ठीक है। और सबसे अंतिम पूछा जाएगा तो हम लोग इत्सिंग का नाम लेंगे क्योंकि इनके टाइम पीरियड की बात करते हैं फायान, और फायान की एक यात्रा वृतांत है उसका नाम लिख लोगे भाई फो क्यू की फायान का यात्रा वृतांत है। ह्वेनसांग इनका यात्रा वृतांत है बच्चे सी यू की, ये भी लिख लोगे आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दशरथ, बृहद्रथ, महेंद्र या बिंदुसार?
फटाफट आंसर कीजिए भैया, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बच्चे कौन सा था, फटाफट से आंसर कीजिए आप लोग, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो यार, अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके उसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम होता है शुंग वंश। तो अंतिम शासक कौन है? बृहद्रथ। उसका सेनापति कौन है? पुष्यमित्र शुंग। किसको मार दिया? बृहद्रथ को। कौन सा वंश स्थापित किया? शुंग। याद रहेगा। मौर्य वंश का दूसरा राजा है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र अशोक। ठीक है, बिंदुसार की जो उपाधि है वो याद रखना है अमित्रघाट। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? समानता का अधिकार 14 से 18 आर्टिकल, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 आर्टिकल, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 28 आर्टिकल, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 आर्टिकल। कौन सा सही नहीं है आपको ये बताना है। क्या देखो, बड़ा बेहतरीन सा सवाल है, ऐसे सवाल आप लोग जरूर करा करो, ऐसे सवाल आप लोग जरूर किया करो। देखो भैया, इसका आंसर मालूम क्या हो जाएगा? इसका आंसर बच्चे हो जाएगा आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, क्योंकि ये 23-24 में है, ये बच्चे 23 और 24 में है, तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में किस खेल की शुरुआत नहीं हुई थी? सांप सीढ़ी, शतरंज, कबड्डी, वॉलीबॉल। फटाफट आंसर करोगे यार, भारत में किस खेल की शुरुआत नहीं हुई थी? फटाफट आंसर कीजिए भाई, फटाफट। फटाफट आंसर करोगे भैया, भारत में किस खेल की शुरुआत नहीं हुई थी ये बताना है आप। देखो यार, बड़ा बढ़िया सा सवाल है, अगर कभी भी आपसे पूछा जाए आप इजीली आंसर कर सकते हो। भारत में अगर किस खेल की शुरुआत नहीं हुई थी ये पूछा जाएगा। देखो, वॉलीबॉल की। कैसे? चेस, सांप सीढ़ी, कबड्डी, चौपड़ पासा, फुटबॉल, कुश्ती, गिल्ली डंडा, ताश का खेल, सब भारत में। अब यहाँ पर खेल की बात आई है तो कुछ सवाल और भी बन सकते हैं। कैसे? चार खिलाड़ी पोलो में, पांच खिलाड़ी बास्केटबॉल में, छह खिलाड़ी वॉलीबॉल में, सात खिलाड़ी किसमें होते हैं? वाटर पोलो में, नेटबॉल में, कबड्डी में। नौ खिलाड़ी किसमें होते हैं? बेसबॉल में, खो खो में। 15 खिलाड़ी किसमें होते हैं? रग्बी में। बाकी क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल सब में 11 होते हैं। ये भैया रट लेना, एग्ज़ाम में ज़रूर आ सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान कौन है? मनप्रीत सिंह पवार, गगनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह या रानी रामपाल? भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन है बोलिए भाई, फटाफट आंसर करोगे प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का बच्चे जो आपका सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलोगे बोलोगे भाई, क्या आंसर हो जाएगा? देखो, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रानी रामपाल। क्या सही आंसर हो जाएगा? रानी रामपाल आपके प्रश्न का भैया सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सी, सुपीरियर सी, टिटिकाका या बैकाल? सबसे बड़ी झील पूछी गई है, सबसे गहरी नहीं, इस बात का ध्यान रखना है। सबसे बड़ी झील पूछी गई है, ना कि सबसे गहरी झील। आपको सबसे बड़ी झील बतानी है कौन सी है। देखो यार, विश्व की सबसे बड़ी झील अगर पूछी जाएगी तो सबसे बड़ी आपकी कैस्पियन सी हो जाती है। सबसे गहरी अगर पूछी जाए आपके, कभी भी पूछी जाए सबसे गहरी, तो सबसे गहरी आप बता सकते हो भाई कौन सी हो जाती है? बैकाल, ये रसिया में झील है। ठीक है, टिटिकाका ये पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पर है। अगला सवाल,
निम्नलिखित में से किस संशोधन ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के अनुसार मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा था? फटाफट आंसर कीजिए। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के अनुसार मौलिक कर्तव्य जो कि यूएसएसआर से लिए गए थे, आपको बताना है किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया था? 1976 में जोड़ा गया है और ये जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन से और आर्टिकल 51A और पार्ट 4A में। ठीक है भैया, याद रहेगा ये सारे लोगों को, क्लियर है। 73वें से पंचायती राज को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन से संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से निकाल करके एक अधिकार बना दिया गया, लीगल राइट। ठीक है, देश में आपातकाल लागू होने के तुरंत बाद इंदिरा गांधी द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश को जो था वो गठन किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला जम्मू और कश्मीर और पाक अधिकृत कश्मीर के बीच की आम सीमा है? मुजफ्फराबाद, पुंछ, कारगिल या जम्मू? मुजफ्फराबाद, पुंछ, कारगिल या जम्मू, कौन सा है बच्चे? पाक अधिकृत कश्मीर के बीच की जो आम सीमा है वो कौन सा हो जाएगा? मुजफ्फराबाद, पुंछ, कारगिल या जम्मू, क्या सही उत्तर हो जाएगा? फटाफट आंसर कीजिए भैया इस प्रश्न का, बच्चे सही उत्तर क्या होगा? देखो यार, कभी भी अगर पूछा जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? पुंछ हो गया। कारगिल और लेह दो ही जिले हैं आपके लद्दाख में, ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है रोहित शर्मा, क्या दिक्कत हो गई तुम्हें? रोहित सिन्हा बोलिए भाई, आगे बढ़ते हैं। ये पुंछ की लोकेशन हो गई भाई। भागलपुर में किसके द्वारा विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया? भागलपुर में बच्चे किसके द्वारा विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया? गोपाल, धर्मपाल, कुमार गुप्त या मदनपाल? भागलपुर में किसके द्वारा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया गया? गोपाल तो देखो पाल वंश का संस्थापक है और इसने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण कराया। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण कराया और जो भागलपुर में है। कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया, ये गुप्त वंश का था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल अक्सर आपसे पूछा जाता है, अगर कभी पूछा जाए, उत्तरापथ स्वामी की उपाधि कौन धारण करता है? तो आंसर हो जाएगा धर्मपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 का कह रहे हैं, तीसरा हो गया भाई। राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में से किस से महाद्वीप से शुरू हुए? किस महाद्वीप से शुरू हुआ राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम्स? फटाफट आंसर कीजिए भैया। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया या नॉर्थ अमेरिका? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया या नॉर्थ अमेरिका, कहाँ से बच्चे कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुए थे? बोलिए भैया, कॉमनवेल्थ गेम्स बच्चे कहाँ से शुरू हुए हैं? फटाफट आंसर करोगे भाई फास्ट। देखो भैया, कॉमनवेल्थ गेम्स की अगर कभी भी बातचीत करते हैं हम लोग तो कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं वो आपका उत्तरी अमेरिका से, कहाँ से? उत्तरी अमेरिका से शुरू हुए हैं, ये आपको याद होना चाहिए। और कहाँ पर? हैमिल्टन। हैमिल्टन कहाँ है? कनाडा में है, तो इसलिए हो जाएगा ये। ठीक है, और अगर एशियन गेम्स पूछे जाएँ तो बच्चे वो हमारे इंडिया से ही नई दिल्ली से 1951 में शुरू किए गए थे, ये आपके 1930 कनाडा के हैमिल्टन से शुरू किए गए थे। ठीक है, कॉमनवेल्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं। थ्रम्बोसाइट के रूप में किसे जाना जाता है? फटाफट आंसर करोगे भाई, थ्रम्बोसाइट के रूप में बच्चे किसे जाना जाता है? प्लाज्मा, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। थ्रम्बोसाइट के रूप में पूछा गया है। देखो यार, ये बात आ गई ब्लड की, ठीक, ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, इसके बाद में pH वैल्यू 7.4 है। RBC को हम लोग इरिथ्रियोसाइट बोलते हैं, ये RBC हो गया, इरिथ्रियोसाइट। WBC को अगर हम लोग कहेंगे ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रम्बोसाइट, तो आंसर क्या हो गया? प्लेटलेट्स। याद रहेगा, अगर कभी पूछा जाए RBC रेशियो WBC, तो आप इजीली कह सकते हो 600:1, ये RBC और WBC का अनुपात होता है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ एन एटम? यानी कि ये आपको बताना है कि कौन सा परमाणु का एक मौलिक कण नहीं है।
पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन? बड़ा आसान सा सवाल है, ठीक है। केशव दास महाराज जी बोलिए। देखो यार, पूछा गया है परमाणु का एक मौलिक कण नहीं है, इलेक्ट्रॉन है मौलिक कण, प्रोटॉन है मौलिक कण, न्यूट्रॉन है मौलिक कण, लेकिन पॉजिट्रॉन मौलिक कण नहीं है, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे टॉमसन ने की, नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने, पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने, कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक है, याद रहेगा। अब अगर पूछा जाए नाभिक में कौन रहते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? 2n2। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले जो मैंने बताया पूरा एक्सप्लेनेशन आपका लिखा हुआ है, आप लोगों को PDF में मिल जाएगा। पदार्थ की पांचवी अवस्था की अवधारणा किसने दी? सत्येंद्रनाथ टैगोर ने, सत्येंद्रनाथ बोस ने, या जगदीश चंद्र बोस ने, या इनमें से कोई नहीं। पदार्थ की पांचवी अवस्था की जो अवधारणा है वो बच्चे किसके द्वारा दी गई? बोलिए भैया फास्ट, क्या सही आंसर होना चाहिए? पदार्थ की पांचवी अवस्था की जो अवधारणा है वो बच्चे किसके द्वारा दी गई थी? फटाफट आंसर कीजिए, तेजी से, तेजी से आंसर कीजिए भैया। पदार्थ की पांचवी अवस्था की जो अवधारणा है वो बच्चे किसके द्वारा दी गई थी? फटाफट से आंसर कीजिए। देखो, पदार्थ की पांचवी अवस्था की जो अवधारणा है, जिसको हम लोग पांचवी अवस्था की अवधारणा कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ना बोस आइंस्टाइन। ये जो बोस आइंस्टाइन है, ये बच्चे किसके द्वारा दिया गया था? ये सत्येंद्रनाथ बोस के द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा भैया? सत्येंद्रनाथ बोस हो जाएगा, ठीक है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? सोलर सिस्टम का सबसे छोटा उपग्रह, ग्रह नहीं पूछा गया है, सबसे छोटा बच्चे उपग्रह पूछा गया है, तो आप बताओगे सबसे छोटा उपग्रह सोलर सिस्टम का कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? फटाफट आंसर कीजिए भैया फास्ट। देखो यार, सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा अगर उपग्रह की बात करेंगे तो सबसे बड़ा उपग्रह हो जाता है डीमोस। फेबोस और डीमोस दोनों किसके हैं? मंगल के हैं। गैनिमेडेस सबसे बड़ा उपग्रह है, ये गैनिमेडेस सबसे बड़ा है, और ये किसका है? ये बच्चे जुपिटर का है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, चंद्रमा का पलायन वेग क्या होता है? चंद्रमा का जो पलायन वेग है, फटाफट बताओगे भैया ये चंद्रमा का बच्चे पलायन वेग कितना है? तेजी से आप लोग आंसर कीजिए फास्ट। फटाफट आंसर कीजिए, चंद्रमा का भैया पलायन वेग जो है वो आपका कितना है? तेजी से आंसर कीजिए। देखो, पृथ्वी का पलायन वेग, यानी कि पृथ्वी से अगर कोई भी चीज़ छोड़ी जाती है रॉकेट, तो उसके अगर पलायन वेग की वैल्यू की बात करोगे तो बच्चे वैल्यू हो जाती है 11.2, लेकिन चंद्रमा की कितनी हो जाएगी? 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। और इसका यूनिट जरूर याद रखोगे किलोमीटर पर सेकेंड, ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है भाई। केशव, आप लोग एक बार शेयर कीजिए यार तेज़ी से, जितने लोग जुड़े हुए हो एक बार तेज़ी से आप सभी लोग सेशन को शेयर करोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पलायन वेग पिंड के द्रव्यमान, आकृति और आकार तथा इसके प्रक्षेपण की दिशा में स्वतंत्र है। पलायन वेग को दूसरा ब्रह्मांडीय वेग भी कहा जाता है। अर्थ का 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड और मून का बच्चे 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेब का खाने योग्य भाग जो है वो कौन सा है? PDF यहीं से मिल जाएगी आप लोगों को, एकदम बेफिक्र रहिए, PDF आप सभी लोगों को बच्चे यहीं से मिल जाएगी, इस बात के लिए एकदम बेफिक्र रहिए, ठीक है। सेब के खाने योग्य भाग को हम लोग क्या कहते हैं? फटाफट आंसर कीजिए, सेब का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? गूदेदार पुष्पासन हो जाता है, फ्लैसी थैलमस हो जाता है। एरिल लीची का खाने योग्य भाग, अगर लीची का पूछा जाता है तो बच्चे एरिल हो जाता है। अगला सवाल है, बर्तन बनाने में जो जर्मन सिल्वर प्रयुक्त होता है वो किसका मिश्रण होता है? जर्मन सिल्वर, कॉपर, जिंक, कॉपर टिन, कॉपर सिल्वर, कॉपर जिंक निकिल,
क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, बर्तन बनाने में जिसका उपयोग होता है वो बच्चे क्या होता है, किस मिश्रण का प्रयोग होता है बर्तन बनाने में। देखो बर्तन बनाने में अगर हम लोग बातचीत करते हैं तो बर्तन बनाने में बच्चे कॉपर निकिल एंड जिंक का प्रयोग होता है, कॉपर निकिल एंड जिंक का प्रयोग होता है, ये पॉइंट आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है भैया, याद रहेगा। तांबे में जस्ता मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, ब्रास पीतल बन जाएगा। तांबे में टिन बना दोगे तो क्या बन जाएगा, ब्रॉन्ज कांसा बन जाएगा, याद रहेगा भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। विच इज़ द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, जो पृथ्वी की भूपरपटी है उसमें सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम या आयरन। क्या करेक्ट आंसर होगा बच्चे, फटाफट से आंसर कीजिए आप लोग, तेजी से, तेजी से आंसर करोगे प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, पृथ्वी की भूपरपटी में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, भूपरपटी में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व बच्चे कौन सा है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम या आयरन। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम या आयरन कौन सा है, फटाफट आंसर करोगे भाई। देखो यार, पृथ्वी की भूपरपटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व है वो आपका हो जाता है कौन सा, ऑक्सीजन हो जाता है। ऑक्सीजन के खोजकर्ता कौन, प्रिस्टले सीले होते हैं। एल्युमिनियम को कभी भी चुम्बक आकर्षित नहीं कर सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रीनोकाइट या ग्रीनोसाइट ये किस तत्व का अयस्क है, फटाफट आंसर कीजिए, कोबाल्ट, कैडमियम, निकल या यूरेनियम। देखो यार बड़ा बेहतरीन सवाल है। ग्रीनोसाइट कैडमियम का होता है, उससे एक रोग होता है इसकी कमी से जिसको हम लोग कहते हैं इटाई इटाई, मैंने बताया है आपको कैडमियम से। कोबाल्ट एक विटामिन में पाया जाता है B12 में, इसलिए B12 का केमिकल नेम साइनोकोबलामिन हो जाता है। यूरेनियम का एक बहुत प्रसिद्ध अयस्क है जिसको हम लोग बोलते हैं पिच ब्लेड, क्या बोलते हैं, पिच ब्लेड बोलते हैं भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कैडमियम आप लोग देख सकते हैं महत्वपूर्ण अयस्क है, कोबाल्ट का स्मलाइट हो जाता है, निकिल का मिलराइट हो जाता है, यूरेनियम का पिच ब्लेड एंड कैरेनाइट हो जाता है। पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति कौन थे, फटाफट आंसर करोगे भैया। सुशांत बाबू कैसे हो, अश्विनी, संदीप, आशीष, शेयर करो एक बार, आंसर करो, शेयर करो, सटीक आंसर करो, दो काम करिए, शेयर करते रहिए सेशन और सटीक आंसर करते रहिए तो निश्चित रूप से आनंद आएगा, ठीक है भैया। पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति पूछे गए हैं ना कि पहले प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री अगर पाकिस्तान के हम पूछे जाएं तो लियाकत अली खान पहले प्रधानमंत्री होते हैं। पहले पाकिस्तान के गवर्नर जनरल पूछे जाएं तो पहले पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना होते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता है। पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा होते हैं, कौन, याद रहेगा, पहले राष्ट्रपति पाकिस्तान के इस्कंदर मिर्जा, पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान, पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना, पाकिस्तान की पहली राजधानी कराची, बाद में इस्लामाबाद बनती है, और जिन्ना महल भी कराची में ही स्थित था। हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, घनश्याम दास बिरला या ठक्कर बापा। हरिजन सेवक संघ के बच्चे प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तेजी से आंसर कीजिए आप लोग फास्ट। देखो यार, हरिजन सेवक संघ के अगर प्रथम अध्यक्ष पूछे जाएंगे तो हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष हो जाते हैं आपके घनश्याम दास बिरला, ठीक है, और सचिव कौन हो जाते हैं, ठक्कर बापा। आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा, अंबेडकर ने, अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष हो जाते हैं, ठीक है भाई। महात्मा गांधी जी कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष होते हैं, 1924 बेलगांव सेशन। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा गांधी संस्थापक अध्यक्ष थे लेकिन अस्पृश्यता मिटाने के लिए इन्होंने 1932 में महात्मा गांधी द्वारा स्थापित लाभकारी संगठन है, मुख्यालय इसका दिल्ली के किंग्सवे कैंप में स्थित है, ठीक है। बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपियों के बीच में लड़ा गया था, बेदरा, बैटल ऑफ बेदरा, फटाफट आंसर कीजिए भाई। देखो यार, दो युद्ध याद रखने हैं आपको, एक तो बेदरा हो गया,
और दूसरा बेंडीवास। ये हम लोग कहेंगे यूरोपियन जो कंपनियों का आगमन हुआ उनके युद्ध हुए हैं। वेदरा का हुआ ब्रिटिश और डचों के बीच में, डच भाग गए ब्रिटिश रह गए, फिर ब्रिटिश रह गए तो 1760 में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ है ये बैटल ऑफ बेंडीवास होता है, ये अंग्रेज और फ्रांसीसी 1760 में, सबसे पहले पुर्तगाली फिर डच फिर अंग्रेज फिर फ्रांसीसी, यही तो क्रम है भैया। बोलिए प्यारे विद्यार्थियों, हाँ या ना यार, हाँ या ना में तो आंसर करोगे, क्लियर है ना? मैं बढ़िया हूँ एकदम। संदीप सिंह डांगी कैसे हो भाई? नितेश पीडीएफ मिलेगी भाई, यहीं पर मिलेगी बच्चे, आप सभी लोगों को यहीं पर पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, लोक अदालत पहली बार किस राज्य में स्थापित किया गया था? लोक अदालत पहली बार किस राज्य में स्थापित किया गया था? आंसर कीजिए, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार या केरल। आंसर कीजिए भैया, लोक अदालत पहली बार किस राज्य में आयोजित किया गया था? आंसर क्या होगा? देखो भैया, लोक अदालत पूछा गया है पहली बार किस राज्य में स्थापित किया गया था, तो लोक अदालत स्थापित किया गया था आपका गुजरात में। ठीक है, याद रहेगा, ये क्लियर है। और भारत का पहला डिजिटल गांव जिसको अकोदरा कहते हैं ये भी गुजरात में। गांधीनगर कैपिटल है, अहमदाबाद यहाँ का प्रसिद्ध शहर है, और अहमदाबाद जो प्रसिद्ध शहर है उसकी स्थापना सुल्तान अहमद शाह ने की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। पाकिस्तान की पहली राजधानी क्या थी? अभी हमने बताया था इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची या लाहौर। पाकिस्तान की पहली राजधानी क्या थी? देखो भैया, अभी मैंने बताया था सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, कराची। जिन्ना महल भी कराची में। लाहौर किस नदी के किनारे है? रावी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आप लोग देख सकते हो 14 अगस्त 1967 को इस्लामाबाद आधिकारिक रूप से पाकिस्तान की राजधानी बनती है। ठीक है, उससे पहले होती है कराची। राज दरबार में सिजदा और पैबोस की प्रथा किसने प्रारंभ की? राज दरबार में। अमन कुमार कैसे हो भैया? बोलिए, आंसर करोगे? अभिषेक कुमार जी, गुज्जर गेमिंग कैसे हो भाई? आप में से आरपीएससी का एग्ज़ाम कितने लोगों का है? जितने लोग जुड़े हुए इसमें से आरपीएससी एसआई का एग्ज़ाम है किसी का? किसी भी विद्यार्थी का आरपीएससी एसआई का एग्ज़ाम है? जो जो एग्ज़ाम है आप लोगों के एक बार कमेंट सेक्शन में लिख देंगे, जिसका एसएससी है एसएससी, जिसका आरएएस है आरएएस का, जिसका आरपीएससी है आरपीएससी, जो भी एग्ज़ाम है आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार लिख देंगे अपना गोल। राज दरबार में सिजदा और पैबोस पूछा जाएगा, तो बलबन ने शुरू की। सिजदा के मतलब बलबन के सामने कोई जाएगा झुक कर के सलाम करेगा, पैबोस के मतलब पैरों में लेट जाएगा उसके पैरों को चूमेगा। ठीक है, जिसका जो एग्ज़ाम गोल है वो एक बार लिख देंगे गोल का नाम। अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम अली गुरसास्प है। ठीक है, इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक सुल्तान कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बकिंघम नहर किस राज्य में स्थित है? आरपीएससी एसआई हेमराज मीना, चलो बहुत बढ़िया भाई, एसएससी बेस्ट एवर। जिसका जो एग्ज़ाम गोल है वो एग्ज़ाम का नाम जरूर लिख देंगे। बकिंघम नहर जो है आपका ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में स्थित है। यूपीएससी है भैया राधिका ठाकुर, चलिए बहुत बढ़िया है। एसएससी जीडी का भी है भाई, चलिए बहुत बढ़िया अविनाश। राधिका ठाकुर आप अनएकेडमी पर ज़रूर जुड़िए, यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन ज़रूर लीजिए आप, प्लस कोर्स अवेल ज़रूर करें। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बंकिंगम नहर, इसको
कोमूर नहर भी कहते हैं, 796 किलोमीटर लंबी नहर है, ठीक है, याद रखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट आंसर कीजिए भाई। संतानोत्पत्ति को कम करने के लिए पुरुष जो नसबंदी कराते हैं उनको क्या कहा जाता है, वैसेक्टोमी, ट्यूबवेल लिगेशन या वंध्यकरण या ये सभी? अच्छा, यूपीपीएससी एग्रीकल्चर, यूपीएससी आईएएस आशीष कुमार, यूपीएससी वाले कितने लोग हो इसमें से? देखो भैया, यूपीएससी वाले जितने लोग हैं सारे लोग यूपीएससी प्लस सब्सक्रिप्शन जरूर अवेल करें, और आप लोग कोड लगाइए ABSIR10, इससे आप लोगों को डिस्काउंट भी मिलेगा वहाँ पर अनएकेडमी पर, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा वैसेक्टोमी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नसबंदी जन नियंत्रण का एक स्थायी विधि मानी जाती है, हालांकि नसबंदी ट्यूबवेल बंधाव महिलाओं के लिए है और पुरुष के लिए, पुरुष नसबंदी हम लोग वैसेक्टोमी कहते हैं। च्यवनप्राश औषधि को किस शास्त्र के आधार पर तैयार किया जाता है? च्यवनप्राश को बोलिए भाई, बोलिए भैया फास्ट। मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है, आप लोगों को जानकारी होगी विद्यार्थियों, अगर कोई विद्यार्थी एक साल का सब्सक्रिप्शन करता है तो उसको 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री में मिल रहा है। कोई भी विद्यार्थी अगर 2 साल का सब्सक्रिप्शन करता है तो उसको बच्चे 4 महीने का फ्री में सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। अभिषेक जी, डिस्काउंट आपको 10% कोड से और 10% कॉइन से, यानी कि आप 20% तक डिस्काउंट ले सकते हैं और प्लस 2 महीने और 4 महीने का सब्सक्रिप्शन भी फ्री ले सकते हैं, ठीक है। तो जो भी विद्यार्थी सब्सक्रिप्शन करना चाहते हैं मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर के तहत, वो सभी लोग एक बार कमेंट सेक्शन में वाई जरूर लिख देंगे, जो भी सब्सक्रिप्शन करने के इच्छुक हैं। च्यवनप्राश औषधि को अगर पूछा जाएगा किस शास्त्र के आधार पर तैयार किया जाता है तो आंसर होगा चरक संहिता। क्या आंसर हो जाएगा भाई? चरक संहिता हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आचार्य चरक को चिकित्सा के पिता के रूप में भी जाना जाता है, हालांकि ऐसे चिकित्सा का पिता हम लोग हिप्पोक्रेटस को कहते हैं। उनकी प्रसिद्ध कृति है चरक संहिता, जिसको आयुर्वेद का विश्वकोश माना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, हाँ ग्रुप डी का है, रेलवे का है। अब रेलवे कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन लीजिए सुनील, ग्रुप डी का। गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के रूप में कौन सा पुरस्कार प्रसिद्ध है? गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के रूप में कौन सा पुरस्कार प्रसिद्ध है? ग्रुप डी वाले रेलवे कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन करेंगे, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, गोल सेलेक्ट कीजिए, रेलवे और गेट सब्सक्रिप्शन पर जाइए और वहाँ पर ड्यूरेशन सेलेक्ट कीजिए और रेफरल कोड में ABSIR10 कोड लगाओगे कैपिटल लेटर में, रेफरल कोड बॉक्स में ABSIR10 कोड लगाइए आप कैपिटल लेटर में और इससे आपको डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल बच्चे, 20% तक का आपको डिस्काउंट मिल सकता है यहाँ पर, 10% कोड से और 10% आप अपने कॉइन्स से ले सकते हो। गणित के क्षेत्र में एबल पुरस्कार, गणित का नोबेल भी बोल देते हैं, नॉर्वे की सरकार देती है। पुलित्जर पत्रकारिता का महान पुरस्कार है। रेमन मैग्सेसे को हम लोग एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, क्योंकि ये भी 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, दीन ए इलाही का प्रधान पुरोहित कौन था? बैरम खान, टोडरमल, अबुल फजल, बीरबल? फटाफट आंसर कीजिए भाई, दीन ए इलाही का प्रधान पुरोहित बच्चे कौन था? भाई बता तो दिया नीलेश बाबू, नंबर अपना यहां पर छोड़ सकते हो नीलेश जी। कोई दिक्कत है तो आपको बाद में बता दिया जाएगा व्यक्तिगत रूप से।
हाँ अभी ले सकते हो आप। आप राधिका अभी सब्सक्रिप्शन लेना चाहो अभी ले लो, कोई दिक्कत है तो आप हमें बता दीजिएगा। कोड जरूर लगा लेना है, रेफरल कोड बॉक्स में अभी यहाँ पर जुड़ी हुई हो, तुरंत अभी कर लीजिए अगर कर सकती हो तो। ठीक है राधिका, मैं बता दूंगा कैसे स्टार्ट होगा, आप कीजिए। दीन इलाही का प्रधान पुरोहित आपका हो जाता है अबुल फजल, और दीन इलाही की स्थापना कब होती है 1582। ठीक है भैया, चलिए। बीरबल का वास्तविक नाम क्या है? महेशदास, और ये पहले शिष्य होते हैं दीन इलाही के, और ये एकमात्र हिंदू भी होते हैं दीन इलाही के। ठीक है राधिका, मेरी बात समझ में आ गई आपको? दूध खराब होने का मुख्य कारण क्या है? फटाफट आंसर कीजिए भैया, दूध खराब होने का मुख्य कारण क्या है? बच्चे फटाफट आंसर कीजिए। दूध खराब होने का मुख्य कारण बच्चे क्या है? फटाफट आंसर कीजिए आप लोग फास्ट। ठीक है राधिका, कर लीजिए, कोड जरूर ध्यान से लगा लीजिएगा, और फिर बताइए आप अगर कोई दिक्कत फेस करते हो, टेक्निकल प्रॉब्लम, आप मुझे बता सकते हो। ए बी सर्टेन कैपिटल लेटर में लिखना है, इसका आंसर हो जाएगा आपका जीवाणु, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु। ठीक है, प्रोटोजोआ से होने वाले बीमारियां अगर कभी पूछे जाएं, देखो मलेरिया, कालाजार, ठीक है, ये सारे के सारे प्रोटोजोइक वर्म। बच्चे होती है रात में 10 बजे, देखो हिंदी जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो रात में 10 बजे वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पर जुड़े, रात में 10 बजे हिंदी की क्लास वहीं पर चल रही है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। किस अर्थशास्त्री ने पहली बार राजनीतिक अर्थशास्त्र शब्द का इस्तेमाल किया? एल्फ्रेड मार्शल, एडम स्मिथ, प्रोफेसर पीगू या चाणक्य? किस अर्थशास्त्री ने पहली बार राजनीतिक अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग किया? नहीं अभी भी आप कर सकते हो, यहां पर कोई दिक्कत हो तो बता सकते हो मेरे को। ठीक है, इसका सही आंसर बच्चे हो जाएगा आपका प्रोफेसर पीगू। ठीक है राधिका, ताकि आपको दिक्कत कोई होगी तो यहाँ पर बता सकते हो मेरे को। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, चाणक्य को अगर हम लोग बात करें तो वास्तविक नाम क्या है? विष्णुगुप्त। चाणक्य क्यों कहा जाता है? अच्छा, चाणक उसके पिता का नाम था इसलिए चाणक्य कहा जाता है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक, पूंजीवाद का जनक कहते हैं। कल्याणकारी अर्थशास्त्र की अवधारणा अल्फ्रेड मार्शल ने दी थी। किस शासक के शासनकाल को संगमरमर का काल कहते हैं? आंसर कीजिए भैया फटाफट, संगमरमर का काल किस शासक के शासनकाल को कहते हैं? सही आंसर क्या हो जाएगा? संगमरमर का शासनकाल किस शासक के शासनकाल को कहते हैं? एरा ऑफ मार्बल, देखिए फादर ऑफ आर्किटेक्चर कह सकते हो, या मुगल में गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर पूछा जाएगा तो गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर शाहजहां का काल है। शाहजहां के काल को ही हम लोग संगमरमर का काल कहते हैं, और गोल्डन एज ऑफ पेंटिंग पूछा जाए, चित्रकला का स्वर्ण काल, तो जहांगीर को कहते हैं। शाहजहां का वास्तविक नाम अगर कभी आपसे पूछा जाएगा बच्चे तो खुर्रम है, और जहांगीर का वास्तविक नाम अगर पूछा जाएगा तो सलीम है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, विच इज़ द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया? भारत में पहला खुला विश्वविद्यालय कौन सा है? पहला ओपन यूनिवर्सिटी कौन सा है? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जिसकी स्थापना होती है 1985 में, इग्नू जिसको बोलते हैं हम लोग। आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी, बिल्कुल नहीं। नालंदा, बिल्कुल नहीं। पंतनगर, बिल्कुल नहीं। पहला खुला पूछा जाएगा, ओपन पूछा गया है। पहला ओपन ये हो जाता है बेसिकली आंध्र प्रदेश ही तब लगता है, अब तेलंगाना लगता है, इसलिए मैंने कट कर दिया था। ये हैदराबाद में,
और उसका नाम होता है भीमराव अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, तो आंसर यही हो जाएगा। उसके बाद में ये बनता है 1982 में, मैंने इसलिए कट कर दिया था क्योंकि अब हैदराबाद तेलंगाना में आता है, और ये फिर उसके बाद में 1985 में। क्लियर है? ये सबसे पुराना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है पंतनगर, ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है भाई। ठीक है, याद रहेगा प्यारे विद्यार्थियों। ये देखिए 1982 में अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय भारत का पहला मुक्त विश्वविद्यालय बना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किस राज्य का पुराना नाम नेफा था, NEFA, नेफा किस राज्य का पुराना नाम था? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम। पुराना नाम बच्चे नेफा किसका था? देखो यार, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ये नेफा है, ये अरुणाचल प्रदेश का नाम था। ठीक है, मैंने लिख दिया है, देखिए नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी क्रिएटेड इन 1954, ये आपको याद रखना है। बाद में 1962 जो चाइना वार हुआ है, कुछ हिस्सा कब्जे में आया, फिर शांत हुआ मामला। 20 जनवरी 1972 को श्री विभा वासुदास शास्त्री द्वारा नेफा का नाम बदल करके फिर से अरुणाचल प्रदेश रख दिया गया। याद रहेगा भाई? हाँ या ना, बोलिए बच्चे, सारे लोग बताओगे भैया, प्यारे विद्यार्थियों, क्लियर है ना? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। प्रोड्यूसर गैस और वाटर गैस के ईंधन के रूप में किसका प्रयोग होता है? प्रोड्यूसर गैस और वाटर गैस के ईंधन के रूप में बच्चे किसका प्रयोग होता है? फटाफट आंसर कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा भाई आपका CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, प्रोड्यूसर गैस CO और N2 का मिश्रण है, जबकि वाटर गैस CO और H2 का मिश्रण है, दोनों याद रखोगे भैया। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत, बड़ी आंत, RBC या लीवर? अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? आंसर कीजिए आप लोग फास्ट। क्या आंसर होगा इसका? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्वचालित एयर ब्रेक का आविष्कार किसने किया? स्वचालित एयर ब्रेक का जो आविष्कार है वो बच्चे किसने किया? बोलिए बच्चे फटाफट। स्वचालित एयर ब्रेक के अगर आविष्कार की बात करेंगे तो जॉर्ज वेस्टिंग हाउस, एलिजा ओटिस ने लिफ्ट का, जेल बियर्ड ने टेलीविज़न का, और लुई पास्चर ने रेबीज का टीका बनाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन, खेल गोपाल किस राज्य से संबंधित प्रसिद्ध लोक नृत्य है? खेल गोपाल, आंसर करोगे भाई? खेल गोपाल नृत्य अगर कभी भी पूछा जाएगा तो आंसर हो जाएगा इसका आपका असम। ठीक है, असम के बहुत सारे डांस हैं, बिहू है, बिछुआ है, नटपूजा है, महाराष्ट्र है, कली गोपाल, बगरुम्बा, नागा नृत्य, खेल गोपाल, चबल चुंगली, केनो, झुमरा, हुब जाई, ये सारे के सारे डांस हैं। ठीक है, अब हम लोग ये अंतिम प्रश्न डिस्कस करेंगे 70वां। किस ई कॉमर्स कंपनी ने हाल ही में जून 2020 तक अपनी पैकेजिंग से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक को ख़त्म करने की घोषणा की है? क्या आंसर होगा? क्या सही आंसर हो जाएगा भाई? अमेजॉन। ठीक है, हम लोगों ने 70 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, बाकी का पार्ट मैं नेक्स्ट टर्न पे बच्चे डिस्कस करूँगा। और बहुत सारे देखिए, मैं फिर से कहूँगा मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफ़र है, मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफ़र का सभी लोग फ़ायदा उठाओ अधिक से अधिक।
जो भी सब्सक्रिप्शन करने वाले विद्यार्थी एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देंगे कोई दिक्कत है अगर। देखिए राधिका, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर लिख करके पूछ सकते हो। एक साल का सब्सक्रिप्शन लेने पर 2 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, 2 साल का लेने पर 4 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है सारे विद्यार्थियों को। कोड सभी को एक ही लगाना है, एकमात्र कोड लगाना है ABSIR10। इस कोड से आप लोगों को निश्चित रूप से डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है भैया? याद रहेगा प्यारे विद्यार्थियों, क्लियर है? चलिए, और अपने कॉइन्स को भी रिडीम कर लीजिएगा तो डिस्काउंट आपका डबल हो सकता है। कॉइन्स रिडीम कर लोगे तो, और मुझे अनअकैडमी पर फॉलो करोगे, आलोक कुमार वाजपेयी मेरा नाम है, मुझे फॉलो करोगे तो मेरी क्लास का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचेगा, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, क्लियर है? चलिए, तो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू।